राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मंडलीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन सेंट विंसेंट कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगरा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. मुकेश अग्रवाल और वशिष्ठ अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक रविन्द्र सिंह रहे। विज्ञान संगोष्ठी में जिला समन्वयक जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद अश्विनी कुमार जैन के साथ जनपद के चयनित प्रतिभागियों, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टुंडला की छात्र कुमारी आकांक्षा और डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी सिरसागंज के छात्र ध्रुव ने प्रतिभाग किया। जनपद की प्रतिभाओं का रविन्द्र सिंह और अन्य अतिथियों ने प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। जिला समन्वयक अश्विनी कुमार जैन ने बताया कि इसे विज्ञान संगोष्ठी का मुख्य विषय रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी मानव जीवन पर प्रभाव है। इससे जनपद के दोनों प्रतिभागियों ने इस विषय पर अपना संभाषण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को आगामी प्रतियोगिता के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। एक प्रकार से रसायन मानव को एक वृक्ष के रूप में फल की तरह निर्भर करता है व आच्छादित करता है। या मैं वहाँ पे जाके खेत में जाके खेती करूँ, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करूँ, कुछ भी कोई भी कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब अपने अर्थ में एनर्जी तो हो गई, हम लोग के पास एनर्जी है, बट अब एनर्जी के सोर्सेज क्या है। माध्यम शिक्षा विभाग की राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक मंडल स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन सेंट विंसेंट कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय आगरा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी ने किया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा श्री रविंद्र सिंह एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का विषय रासायनिक तत्वों की आवश्यकता एवं मानव कल्याण पर प्रभाव था। इस विज्ञान संगोष्ठी में जनपद प्रभाग के दो छात्राओं कुमारी आकांक्षा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टुंडला एवं डिवाइन इंटरनेशनल एकेडमी के छात्र ध्रुव ने जिला विज्ञान क्लब के जिला समन्वयक अश्विनी कुमार जैन के साथ प्रतिभाग किया। साथ में मार्गदर्शक शिक्षिकाओं के रूप में कुमारी श्रीमती माधुरी एवं मोहित कोच्चर सर रहे। इन छात्राओं ने वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और इन छात्राओं को जिला विद्यालय आगरा के द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।